समस्या हम भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या है मैं बताता हूं। हम ऐसी अच्छी बातें बार बार जो बोलनी चाहिए वो बोलते नहीं है। बार बार बोलना चाहिए, जो मिले उसको बोलना चाहिए, बताते रहना चाहिए। देखो भाई, पहले तो पासपोर्ट का नामो निशान नहीं था, पुलिस वाला आता था, ढिकना आता था, फलाना आता था, कौन सा दफ्तर ये भी पता नहीं चलता था। अब एक ऐसी सरकार आई है कि घर बैठे हफ्ते भर के अंदर पासपोर्ट आ जाता है। यह एक ऐसा बदलाव है और वो तब आता है जब हमारे पास एक संवेदनशील और जनता जनार्दन की सेवा में सदैव तत्पर सरकार होती है। यही वजह है कि पासपोर्ट ही नहीं, इसी तरह की कई और सेवाएं भी लोगों को जल्दी और आसानी से मिलना संभव हो पाया है। चाहे वो गैस हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, छात्रवृत्ति हो। जब इतना बदलाव हो रहा है तो कार्यकर्ताओं को देश में हो रहे इस बदलाव को अपने बूथ के लोगों को बताना चाहिए। और मैं तो कहूंगा क्या करना चाहिए, बूथ के लोगों की मीटिंग करनी चाहिए और वहां आपको उस दोस्त को ले जाना चाहिए और उस दोस्त को कहना चाहिए बताओ भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ, बोलो सबके सामने। वो जब सबके सामने बोलेगा तो लोग कहेंगे हाँ यार ये काम हो रहा है। जिसको गैस का कनेक्शन मिल गया, सबको लोग इकट्ठा करो और उसको बोलो भाई बोलो कैसा हुआ, क्या आपको पैसा देना पड़ा, भ्रष्टाचार करना पड़ा, ये करना पड़ा, बताओ सच। जब लोग बोलना शुरू कर जाएंगे तो लोग भरोसा ज्यादा करते हैं।